पुलिस के पास नहीं जाना है, मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे प्लीज छोड़ दो, वीडियो डिलीट कर दीजिए प्लीज, आप समझ नहीं रही है, मुझे जेल से बहुत डर लगता है, पुलिस से बहुत डर लगता है। अब तुम्हारी फ्लाइट नहीं छूट रही? फ्लाइट में अभी टाइम है। चाय पियोगे? तुम्हारे हाथ की चाय की आदत रही नहीं। तुमने कभी आदत बनाई भी? मैंने जो भी किया तुमने हमेशा कमियां ही निकाली है। मैं यहाँ फिजूल की बहस करने नहीं आया हूँ। हफ्ते भर पहले डिवोर्स के पेपर्स भिजवाए थे, साइन किए? नहीं किए, और तब तक नहीं करूंगी जब तक मुझे इस बात की श्योरिटी नहीं मिल जाती कि तलाक के बाद नितिन मेरे साथ ही रहेगा। हाँ हाँ, तुम्हें तो हर चीज अपने हिसाब से चाहिए ना। मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मैं जो भी कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। तुम तो बिजनेस के काम से बाहर चले जाते हो, 15-15 दिन के लिए रहते नहीं हो यहाँ पर, तुम क्या नितिन की जिम्मेदारी उठाओगे? मैं उसका बाप हूँ शिल्पा। मालूम है, और ये भी मालूम है जब कोई इंसान एक अच्छा पति नहीं बन सकता तो वो एक अच्छा पिता भी नहीं बन सकता। बाय द वे, आप एयरपोर्ट जाइए, आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। और हाँ, मैं 15 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, जब तक लौटूं तब तक डिसीजन ले लेना। इशिका? हेलो। हे माय स्वीटहार्ट, कैसी है? भूल गई क्या मुझे? तुम्हें कैसे भूलूंगी? क्या हुआ, तेरी आवाज कुछ मुरझाई हुई सी लग रही है। एक्चुअली मानो के साथ चीजें अच्छी नहीं जा रही हैं, तो मैं डिवोर्स का प्लान कर रही हूँ। ओह, अचानक कैसे? अचानक तो नहीं, मतलब काफी दिनों से प्लान चल रहा था, सो फाइनली एक समय पर आकर डिसीजन तो लेना पड़ता है ना, तो बस मैंने ले लिया डिसीजन। मुझे लगता है ये मुद्दा हमें फोन पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। तू एक काम कर, कल मेरे घर आ जा। ठीक है, मैं कल आती हूँ। और ज्यादा टेंशन मत ले, ठीक है? लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। बाय बाय। तेरी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डिसीशन तूने लिया है ना, सोच समझ कर ही लिया होगा। तो अपने डिसीशन पे बिलीव कर, कॉन्फिडेंट रहे। देख यार, लाइफ में हर सिचुएशन में इंसान निकल कर बाहर आता है, चाहे वो जंप मार के निकले या फिर ठोकर खाकर। और रही बात नितिन की, तो तू टेंशन मत ले, उसकी कस्टडी तो तुझे ही मिलेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ या पता नहीं, मैं बहुत डर रही हूँ। देख यार, तूने जो अपने हस्बैंड के बारे में बताया है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो भी तूने किया है बिल्कुल सही किया। सो यू डोंट वरी, कम या सुन, तुझे एक मजेदार एडवाइस दूं, तू है ना, अब खुद को बदलना स्टार्ट कर, थोड़ा खुल, पार्टी कर, डांस कर, दारू पी, क्योंकि तुझे अब ना कोई रोकने वाला है और ना कोई ठोकने वाला, और अपने इस लाइफ के मोमेंट को एंजॉय कर। तो टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी, कम ऑन। Thank you.
आता है। ट्राई तो कर। मैंने कभी नहीं किया। सिगरेट ला। दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गई। मम्मी ये अंदर कैसे आई और ये कौन है? अरे अरे रिलैक्स बेटा, ये इशिका आंटी है, मेरी फ्रेंड। मैं अंदर आई तो देखा नितिन कोई मूवी देख रहा था। मूवी इतनी रोमांटिक थी कि मैं उसमें ही खो गई। अच्छा। ऐसा क्या देख रहे थे बेटा? वो ना मैं वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले अभी ये बताइए कि ये सब क्या है, ये क्या पहना हुआ आपने और ये यहाँ क्या कर रही है? बेटा ये मेरा न्यू लुक है और ये नए कपड़े मुझे इशिका आंटी ने गिफ्ट किए हैं। आज शाम को हम लोग एक बहुत बड़ी पार्टी में जा रहे हैं, है ना इशिका? हाँ। लेकिन माँ ये सब लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, और पापा को पता चल गया तो? और जब से पापा और आपने डिवोर्स लेने का डिसीजन लिया है आपका ये पार्टी एंड ऑल ज्यादा नहीं हो रहा? बेटा तुम अभी इन सब चीजों के लिए बहुत छोटे हो। हुँ? अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और ज्यादा स्ट्रेस मत लो। मुझे पता है कि मुझे तुम्हारा और अपना ख्याल कैसे रखना है। माँ कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बस पापा के जाने का इंतजार कर रही थी, इधर पापा जाए और आप अपनी अय्याशियां कर सको। नितिन शिल्पा मैं बात करती हूँ। नितिन तुम न्यू जनरेशन के हो और सब कुछ इतना एडवांस हो गया है, समय के हिसाब से लोग बदल रहे हैं, तुम भी बदलो। और जैसे तुम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे अपने मजे के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, वैसे अपने मॉम को भी उनकी आज़ादी का इस्तेमाल करने दो। शिल्पा आई थिंक वो समझ गया होगा। लेट्स गो।
हेलो, उसने सब देख लिया। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं नितिन को खोना नहीं चाहती। उसकी नफरत मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। काम जाओ बेबी, काम जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। मैं अब कभी बाहर नहीं जाऊंगी। मैं पार्टी भी नहीं करूंगी और मैं तुमसे भी नहीं मिलूंगी। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा है तुम्हारा, उससे बात करो। अच्छा सुनो, उस दिन मैं अपना पर्स भूल गई थी। क्या तुम प्लीज भिजवा दोगी? इसी बहाने वो मेरे घर भी आ जाएगा। वो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वो तुमसे भी नफरत करता है। प्यार से बात करो, सब काम हो जाएगा। मैं उसे प्यार से समझा दूंगी और मुझे यकीन है कि वो जरूर मान जाएगा। ठीक है। नितिन, आई एम सॉरी बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा एक काम कर दो, मेरा इशिका आंटी का ये बैग देके आओगे? मैं नहीं चाहती बैग के बहाने वो फिर से घर पे चली आए। मैं एड्रेस मैसेज करती हूँ। अरे तुम, कम इन। सॉरी वो मैं काम में थी तो टाइम लग गया। मैं आपका पर्स लेने आया था। थैंक यू। सिट। नहीं नहीं बस। अरे एक कप कॉफी तो पीकर जाओ। ठीक है। सिट, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। तो नितिन, हाउ इज योर मॉम? तुम दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ शायद। थैंक्स। सो हाउ इज इट? गुड। Watching, relax. देखना कोई जुर्म नहीं है। मैं भी देखती हूँ। वैसे तुम्हें किस तरीके का देखना पसंद है? Come on यार, शर्माओ भी मत। Sweet love stories. Romantic, huh? ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ
एक रोमांटिक स्टोरी बनानी है। अरे मेरी स्मार्ट वॉच। अरे तो कम वो मेरी स्मार्ट वॉच गलती से यहाँ रह गई थी। तो तुम ही आके ले लो ना। नहीं आप ला दीजिए ना। वैसे अच्छा हो तुम आ गए, मैं भी अभी निकल ही रही थी। अच्छा वैसे उस दिन तुम भाग ही गए थे। इतना भी क्या डरना मुझसे। नहीं वो अच्छा ये बताओ आप मैं कैसे लग रही हूँ तुम्हें। बहुत हॉट। ओह थैंक यू। वैसे मुझे किसी ने कहा नहीं तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिख गया जिससे मैं तुम्हें हॉट लगती हूँ। हाँ और तुम्हारी नजरें क्या चाहती हैं मुझसे। अरे तुम यहाँ। मम्मी है क्या। देख लो मम्मी। मम्मी मम्मी कहाँ है। तुम्हारी मम्मी यहाँ तो नहीं है। हेलो मिस्टर, अभी भी मेरे ख्यालों में खोए हुए हो क्या। आप क्या कर रही हैं यहाँ पे। मैं तुम्हारी माँ से मिलने आई थी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, माँ आपसे नहीं मिलेंगी, आप चली जाइए यहाँ से। ओह रियली, तो तुम्हारी माँ भी यही चाहती है। हाँ ये उनका ही फैसला है, आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। ठीक है तुम चाहते हो तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। नहीं मुझसे एक बार गलती हो चुकी है, अब मुझे कुछ नहीं देखना।
देख लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना। ठीक है, तुम्हें नहीं देखना तो कोई बात नहीं। इसमें तो तुम्हें बहुत ही मजा आ रहा है मेरे साथ। वाओ। देखो, इस वीडियो के मुताबिक तुमने तो मेरा रेप किया ना। अगर ये पुलिस तक पहुंच गया तब तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अरे रे रे, तुमने तो मोबाइल तोड़ दिया। कोई बात नहीं, इस वीडियो के और भी क्लिप्स है मेरे पास। आप मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे मम्मी घर से बाहर निकालते ही मैं बदनाम हो जाऊंगा। मुझे नहीं जाना जेल, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है, मेरा करियर खराब हो जाएगा। मत कीजिए मेरे साथ ऐसा, फिर वीडियो डिलीट कर दीजिए। आप सुन नहीं रहे मेरी बात, मैं बदनाम हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा करियर खराब हो जाएगा। आप प्लीज मत कीजिए ना मेरे साथ ऐसा, मत कीजिए आप। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारा वीडियो डिलीट कर दूं? ये वीडियो मैं तभी डिलीट करूंगी जब तुम अपना मुंह बंद रखोगे और अपनी मॉम को कोई भी चीज के लिए ना ही रोकोगे और ना ही टोकोगे। और हाँ, ना ही अपने पापा को इस बारे में कुछ भी बताओगे। मैं नहीं बताऊंगा पापा को, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। क्या हुआ? काम हो गया। इशिका, तुमने ऐसा क्या कहा कि वो मान गया? ऐसे कैसे नहीं मानता, आखिर मैं तुम्हारे दोस्त हूँ ना। और तुम टेंशन मत लो, मैंने उसे ये एहसास दिला दिया है कि उसकी माँ को भी खुल के जीने का हक है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि नितिन मान गया। देखना चाहती हो? रुको, नितिन बेटा जरा यहाँ आना। आओ, तुम्हें अपने मॉम से कुछ बात करनी थी ना। I'm sorry, मम्मी। मुझे एहसास हो चुका है कि आप सिर्फ मेरी माँ नहीं है बल्कि एक इंसान भी है। और आपका जीना भी बहुत जरूरी है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ऐसा फिर से कभी नहीं करूँगा। एक बेटा होने के नाते मुझे ये समझना चाहिए था। I'm really sorry, मम्मी। I'm really sorry. Thank you, बेटा। Thank you very much. नितिन बेटा, तुम्हें पढ़ाई करनी थी ना, चलो जाओ, जाके पढ़ाई करो, ठीक है? सुनो, तुम तो बहुत समझदार निकले। क्या हुआ? जो सीन देखना था वही कट हो गया, पूरा मजा किरकिरा हो गया। लेकिन क्या हुआ अगर मैं कहूं तो आप अपने फेवरेट शो पूरे देख सकते हैं बिना कटे, यानी जो सीन आप देखना चाहते हैं वो आपको वैसे ही दिखेगा जैसा आप चाहते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए उल्लू ऐप, जस्ट क्लिक एंड प्ले।